दोस्तों, हम सभी के लिए देश दुनिया के अजब गजब देशों के बारे में जानना बड़ा दिलचस्प होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी दुनिया ही अलग है। यह देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नाम से ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ पर बहुत हरियाली होगी, लेकिन आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का 85% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि घास भी नहीं उग पाती। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ सकते हैं, पर अगस्त के महीने में यहाँ आपको जन्नत नजर आएगी। बर्फ की चादर ओढ़े ग्रीनलैंड इन दिनों धूप में सुनहरा नजर आता है। पूरे ग्रीनलैंड में किसी भी प्रकार का रोडवे या रेलवे सिस्टम नहीं है। यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर, नाव या प्लेन से यात्रा करते हैं। यह बहुत ही रोचक है कि पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जहां गर्मियों के समय में सूरज नहीं डूबता। यहां रात में भी आप सूरज को देख सकते हैं। कहने को तो ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है, मगर इस पर अभी भी डेनमार्क का ही अधिकार है। बात अगर क्षेत्रफल की करें तो ग्रीनलैंड पूरी दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, पर इसकी आबादी किसी छोटे शहर से बहुत कम है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या सिर्फ करीब 58,000 है। जानकर हैरत होगी कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली है। लोग यहां सड़कों पर नहीं बल्कि बर्फ पर चलते हैं। ऐसे और भी तथ्य हैं जो ग्रीनलैंड के बारे में आपकी उत्सुकता को बढ़ा देंगे। तो चलिए जानते हैं ग्रीनलैंड के रोचक तथ्यों के बारे में। नाम से उलट है ये देश। सुनने में लगता है कि यह देश हरियाली से भरपूर है, मगर ये अपने नाम के बिल्कुल उलट है। यहाँ का 85% हिस्सा बर्फ से ढका है। जगह जगह ग्लेशियर होने के कारण यह देश बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ कुत्ते कराते हैं यात्रा। दुनिया में यह इकलौता ऐसा देश है जहाँ कोई रेलवे सिस्टम नहीं है। यहाँ लोगों के पास कार से ज्यादा बोट या हेलीकॉप्टर है। ज्यादातर लोग प्लेन या डॉग स्लेड से ही यात्रा करते हैं। नहीं डबूता सूरज जानकर हैरत होगी, लेकिन गर्मियों में इस देश में सूरज नहीं डूबता। मतलब कि आधी रात को भी आप सूरज देख सकते हैं, तब भी यहाँ का तापमान 0 से 4 डिग्री के बीच होता है। जबकि सर्दियों में आसमान में अलग अलग रंग की लाइटें देखने को मिलती हैं। ग्रीनलैंड के पास खुद की करेंसी नहीं। यह एक ऐसा देश है जिसकी खुद की करेंसी नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोना चलती है। यहाँ का डॉलर भारत के 10 रुपए के बराबर है। यहाँ दिखते हैं पोलर बियर। पूरी दुनिया में पोलर बियर आपको ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलेंगे। इन्हें बर्फ में रहना काफी पसंद होता है। यहाँ के ज्यादातर लोग मछली बेचकर ही अपना घर चलाते हैं। बर्फ पिघलते ही मचेगी तबाही कहते हैं कि ग्रीनलैंड में इतनी ज्यादा बर्फ है कि जिस दिन यह पिघलना शुरू हो गई दुनिया में तबाही मच जाएगी। समुद्र का स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा, जो मानव जाति के लिए खतरा साबित होगा। दुर्लभ जानवरों का घर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ऐसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी देश में शायद ही देखने को मिलते हैं। यहाँ रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी और एयरमिन जैसे जानवर रहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड्ढा द्वीप। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड्ढा द्वीप है, और अगर आप हर दिशा में यात्रा करने जाएंगे तो हर दिशा में आपको 80 घंटे लगेंगे। चौंक गए? यही नहीं, यहाँ मछलियों की 225 प्रजातियां पाई जाती हैं, और मछलियां बेचकर ही लोग अपना घर चलाते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं घूमने के स्थानों के बारे में। नंबर 1, इकी ग्लेशियर। अगर आप ग्रीनलैंड में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक की तलाश कर रहे हैं तो आपको एक नजारा जरूर देखना चाहिए। इकी ग्लेशियर से बर्फ टूटती हुई एक नाव आपको इस झरने के नजारे को देखने के लिए काफी करीब ले जाती है। यह एक बहुत बड़ी घटना है। इकी ग्लेशियर इलुलिसेट से 80 किलोमीटर उत्तर में फजॉर्ड में समाप्त होता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है, और यह आपको न केवल इसकी अपनी बल्कि पूरी प्रकृति की भव्यता से विस्मित कर देगी। छोटी मछली पकड़ने वाली नावें जिनमें यात्राएं कराई जाती हैं, ठंडे पानी से होते हुए ग्लेशियर की छाया में जाती हैं, जहां आप बर्फ और पानी के टकराव को देख सकते हैं। नंबर 2, उनार्तोक। ग्रीनलैंड में गर्म पानी के झरनों की कमी नहीं है, लेकिन केवल उनार्तोक में ही ऐसे झरने हैं
जो नहाने लायक गर्म हैं। आप इसके गर्म पानी में लेटकर आराम कर सकते हैं और शांत प्राकृतिक परिदृश्य की प्राचीन सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, साथ ही अपने शरीर और मन को भी तरोताजा कर सकते हैं। इस द्वीप पर मौजूद एकमात्र मानव निर्मित संरचनाएं गैंगवे और आपके कपड़े बदलने के लिए एक कॉटेज हैं। नंबर 3, ग्रीनलैंड राष्ट्रीय संग्रहालय। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार ग्रीनलैंड के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक था, जिसे 60 के दशक के मध्य में बनाया गया था। इसमें पड़ोसी कूपर की कार्यशाला और ब्लबर वैट्स का प्रदर्शन भी शामिल है। इसका मुख्य आकर्षण किला किट्सॉक में खोदी गई 3 महिलाओं और एक 6 महीने के बच्चे की मम्मी है। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार भी ग्रीनलैंड में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसमें कई अन्य पुरातात्विक कलाकृतियां भी प्रदर्शित हैं, जैसे कि खुदाई से प्राप्त उपकरण और खंडहरों, इमारतों और बहुत कुछ के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह मानव शास्त्रीय घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ग्रीनलैंड के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। जब सूरज निकलता है तो सभी अपने घरों के बगीचों में रोमांस करने लगते हैं। यहाँ एक त्योहार भी होता है जिसे रोमांस डे के नाम से जाना जाता है, जो 8 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन सभी पति पत्नी एक दूसरे को खूब प्यार देते हैं और जीवन भर साथ रहने का वादा भी करते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ या जा सकते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में आपको यहाँ स्वर्ग जैसा एहसास होगा। बर्फ की चादर से ढका ग्रीनलैंड इन दिनों सूरज की रोशनी में सुनहरा नजर आ रहा है। ऊपर नीला आसमान और जमीन पर सफेद बर्फ, यह नजारा देखने में बेहद शानदार है। ग्रीनलैंड में ऐसी कई जगहें हैं जहां आप घूम सकते हैं। ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, आइस वैली, सीसी मीट का ऐतिहासिक केंद्र, सांता क्लॉज हाउस आदि। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि आप यहां बर्फ में खूब आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप बर्फ के बीच नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। ग्रीनलैंड का उनार टॉक हॉट स्प्रिंग्स एक ऐसा अजूबा है जहां आपको हार्ड कंपा देने वाली ठंड में भी गर्म पानी की छोटी छोटी झीलें दिखाई देंगी। जब भी आप ग्रीनलैंड जाएं तो इस झील में नहाने का आनंद जरूर लें। इस झील का पानी इतना गर्म है कि आप इसमें घंटों बैठकर नहा सकते हैं। आर्कटिक जलवायु के कारण ग्रीनलैंड के लोग ज्यादातर तट पर बस्तियों और शहरों में रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से छोटी गर्मियों के कारण मछली पकड़ना और शिकार करना जीवित रहने की कुंजी रही है। ग्रीनलैंड की जलवायु और भूगोल खेती को लगभग असंभव बना देते हैं, सिवाय देश के सुदूर दक्षिण में जहां भेड़ पालन लोकप्रिय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।